तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो लेसन सीखा था वो हिंदी में कृति देव में जो सीखे थे, अभ्यास नंबर 22 तक। ठीक है, 22 आप लोग अच्छे से कर लीजिए। एक लेसन नंबर 14 और एक 22, ये दोनों लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, पूरे लेसनों के सार हैं। ये दो लेसन यदि आपसे फटाफट बन रहे हैं तो बिल्कुल आप नॉर्मल इजी तरीके से टाइपिंग, और यदि अब इसके बाद आप लेसन करेंगे तो करीबन आपकी पहुंच जाएगी 25 वर्ड पर मिनट की। आप यदि सही शर्ट यदि टाइपिंग कर रहे हैं तो इस लेसन में आप पाएंगे उतनी टाइपिंग की स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या सीखेंगे, 23 नंबर का जो लेसन है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं लेसन थोड़े फटाफट बनाऊंगी, क्योंकि क्या है कि सभी लोगों को लेसन्स की ज़रूरत है। तो बस आप अपना प्यार दिखा दो इसमें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो फटाक से जा करके, और नीचे कमेंट कर दो कि भाई अच्छा लगा है तो बढ़िया कमेंट कर डालो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 23 नंबर का लेसन। हम लोग 30 या 31 है हमारा हिंदी का लेसन। ठीक है, आप लोग बढ़िया तरीके से सीखिए, स्केप बिना करे सीखिए, और याद रखें कि बिल्कुल मैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बताती हूँ, तो आप लोग भी मेरा ध्यान रखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले, कमेंट करते चले। ठीक है, यदि कमेंट नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, हाँ नहीं बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो, पर लाइक को प्लीज़ दबा दो। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 23 नंबर का, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। हम बढ़ते हैं आगे और मैं बताती हूँ आपको फिंगर पोजीशन। ठीक है, फिंगर पोजीशन वही नॉर्मल है जैसे हम रखते हैं हमेशा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि 23 नंबर में हमको दिख रहा होगा कि आधा, अब हमारे पास पहली बार आधा कोई अल्फाज आया है, मतलब आधा शब्द का वाला। ठीक है, तो अब हमको आधा का कैसे प्रेस करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल है, सिंपल ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए पा आपको पता है आई में आता है पा। ठीक है, आई को प्रेस किया, आधा का किससे आएगा, पूरा का किससे आता है, डी से। ठीक है, पूरा का किससे आता है, डी से, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर से डी से का आता है पूरा। ठीक है, डी के बटन को प्रेस करना पड़ेगा तो क्या आएगा आपका, आधा का। शिफ्ट, शिफ्ट विथ क्या करना पड़ेगा, डी को प्रेस करना पड़ेगा तो आधा का आएगा। अब याद रखें पूरे लेसन में यही है, अक्सर आपको पता है वी से आता है आ, आधा का आपको पता है शिफ्ट के साथ डी, सा आपको पता है एल, और रा आपको पता है जे। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, मत्क्य, मतलब कि माँ किससे आता है, ई। ठीक है, माँ आया ई, ता आ गया आर। ओके, उसके बाद है ए की मात्रा, शिफ्ट के साथ राइट हैंड की शिफ्ट और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर। ठीक है, और बिना बिना क्या, बिना शिफ्ट के क्या आता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। ठीक है, शिफ्ट के साथ एस को प्रेस करेंगे तो ए की मात्रा आएगी। अब आधा का मैंने आपको बताया शिफ्ट के साथ डी, या आपको पता है कोलन। ठीक है, वाक्य, वाक्य ओ से वा आता है, आ की मात्रा के से आती है, आधा का शिफ्ट के साथ डी या कोलन। ओके, चक्की, च आपको पता है पी, आधा का डी शिफ्ट के साथ, पूरा का विदाउट शिफ्ट। ओके, विदाउट शिफ्ट से पूरा का, और बड़ी की मात्रा किससे आएगी आपकी, एच से। ओके, फिर तथ्य, तो आपको पता आर, आधा था किससे आता है, राइट हैंड की शिफ्ट एंड लेफ्ट हैंड की एफ। ओके, राइट हैंड की शिफ्ट मिनी फिंगर से और लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से आपको एफ को प्रेस करना पड़ेगा तो क्या आएगा, था, वो भी आधा। इसको पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, के को प्रेस करते हैं तो हम कोई भी शब्द पूरा हो जाता है। ठीक है, याद रखें, तो शिफ्ट के साथ एफ को आपने प्रेस किया तो या, सॉरी था, और या आपको पता है कोलन। ठीक है, कथन का आपको पता है डी, था शिफ्ट के साथ एफ, इसको पूरा करने के लिए के, उसके बाद ना के लिए यू। ओके, कथा का आपको पता है डी, शिफ्ट के साथ एफ, फिर एक बार तो हमने इसको पूरा कर दिया के से, फिर एक और आ की मात्रा लगी है तो एक बार और के। ठीक है, उसके बाद है मिथ्या, मिथ्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी एफ। ओके, फिर उसके बाद एफ से क्या हुई, हमारी छोटी मात्रा आई, उसके बाद क्या आया, माँ ई, आधा था एफ शिफ्ट के साथ और या। ठीक है, उसके बाद गौ,
गौ के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स, तो हमारा क्या आएगा, एक्स से क्या आएगा, गा, इसके आ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद आई की मात्रा है शिफ्ट के साथ एस, ठीक है, ये मात्रा मैंने आपको पहले के लेसन में बता चुकी है अभ्यास नंबर 20 में, ठीक है, कैलाश दौरा नैतिक वाले में। फिर ला, ये वाला ला कौन सा है, ये मराठी ला है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप, शिफ्ट के साथ जी से आता है ये, शिफ्ट के साथ जी से आता है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद निराला, ए निरालव, ओके, इसके लिए एफ, फिर उसके बाद ना के लिए यू, रा आपको पता है जे, मात्रा के, और ला आपको पता है शिफ्ट के साथ जी, शिफ्ट जी, ओके, उसके बाद है व ओ, ठीक है, एक बार कॉमा और एक बार फुल स्टॉप, कॉमा आपको मैंने हमेशा बताया ये वाले जो ब्रैकेट क्लोज है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे इसको वो आपको बताती हूँ, पक्का, अक्सर, मृतक्य, वाक्य, चक्की, तथ्य, कथन, कथा, मिथ्या, गौल या निरालव, ओके, शिफ्ट के साथ ए, ठीक है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया आपको वैसा ही करना है सिंपल तरीके से। हाँ, ये याद रखिए कि लेसन आप उतना ही स्लो करें जितना आपका क्या है, आपकी जो स्पीड आ रही है आप उस हिसाब से आपके लेसन को टाइप करना है, ये बात आप बिल्कुल भी नहीं भूलें कि जो आपकी स्पीड है जितनी स्लो या जितनी भी फास्ट तरीके से, बस ये है कि बैक स्पेस यूज नहीं होना चाहिए, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। एक बार मैं आपको बताती हूँ, 2 से 3 दिन इसको टाइप करें, 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करें, जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है आप नेक्स्ट लेसन में चले जाएं, पीछे के लेसन नहीं छोड़ें, भलाई एक एक लाइन टाइप करें, पर हर बार प्रैक्टिस करने के बैठने के पहले आपको 10 मिनट सारों की प्रैक्टिस करनी है, 10 10 मिनट नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट सारों को मिला के टाइपिंग करनी है, ठीक है, एक एक लाइन नॉर्मली। अब मैं कितनी तेज होगा ये टाइपिंग वो बता देती हूँ आप लोग की इसकी स्पीड के हिसाब से, यदि आपने 22 लेसन अच्छे से किया तो आपकी 25 28 27 30 के समथिंग ये स्पीड पहुंच जाएगी इस लेसन पर, ठीक है, जिससे मैंने प्रैक्टिस करने को आपको पहले इसके बोला था, ठीक है। देखिए, पक्का, अक्सर, बिल्कुल धीरे टाइप करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस इतना पता है, क्योंकि शिफ्ट वाले शब्द हैं इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है, और हिंदी आप लोगों को पता है, देखो डरने की जरूरत नहीं है, बाकी नॉर्मल ही है। पक्का, अक्सर, मत्क्य, वाक्य, चक्की, तथ्य, ठीक है, ऐसे ही टाइप करना है जैसे मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है, शिफ्ट के साथ, सॉरी, फुल स्टॉप, इसमें ज्यादा तेज हो जाए तो कितनी हो सकती है, पक्का, अक्सर, मत्तक्य, वाक्य, चक्की, तथ्य, कथन, कथा, मिथ्या, वोल्या, ठीक है, समझ गए, ये बिल्कुल हाथ ब्रेक ना हो और चलते जाएं, जितनी आपकी स्पीड हो, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल यही हो, ठीक है, जितनी भी आपकी स्पीड हो, बस हाथ ना ब्रेक हो इतनी तेज, जब आपका चलने लगे जितने में आपका हाथ ब्रेक नहीं हो रहा है बस चलाओ, ठीक है, सिंपल है, नॉर्मल है, मैंने आपको बता दिया सिंपली वे में बता दिया, जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और बने रहो इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में, इसके बाद मैं आपको 24 नंबर का हिंदी कृति देव लेसन बताऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।